झांसी के नगर बड़ागांव बाजार स्थित श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने एक से बढ़कर एक सुंदर प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। बड़ागांव में कवि सम्मेलन का आयोजन श्री राम जानकी मंदिर के महंत श्री श्री 108 श्याम मोहन दास महाराज के संरक्षण में व दिनेश द्रुदेव की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विजय खेरा उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन में कवियों के द्वारा कई सुंदर प्रस्तुतियां पेश की गईं, जिसमें कवि गोविंद वर्मा के द्वारा ओरछा धाम की महिमा न्यारी राम राजा की मूर्ति है प्यारी व जे आलम के द्वारा लॉकडाउन के ऊपर प्रस्तुति दी गई। साथ ही रामेश्वर प्रसाद गुप्ता द्वारा धरती ये कितना धीरज धरती, कवि राम सेवक कुशवाहा के देशभक्ति रचना, कवि संजीव रिछारिया द्वारा भगवान राम जी की महिमा, कवि रमेश दुबे के द्वारा सोजा बारे वीर, कवि डॉक्टर आत्मा राम बादल के द्वारा आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर चुकाना बाकी है जैसी कई कविताओं ने लोगों का मन मोह लिया। इसी तरह कवि रामचरण पांचाल, जगदीश झा, घनश्याम यादव, बृजेश चंद श्रीवास्तव आदि कवि मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने काव्य प्रस्तुत कर लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। मंच का कुशल संचालन जे आलम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंदिर के महंत श्री श्री 108 श्याम मोहन दास महाराज के द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। करने से मुकर जाता है ये दिल, अब तो इश्क के नाम से डर जाता है ये दिल। राम जानकी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी के समक्ष जो आज के समय हमारे हृदय में जो शब्द उत्पन्न होते हैं, उन शब्दों को लेकर जोड़ जोड़ कर कुछ लाइनें लिखी हैं। यदि आप लोगों के दिल तक वो लाइनें पहुंचे तो अपनी तालियों का सहयोग जरूर करना। जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे थे आदरणीय श्री गोविंद दास वर्मा जी को, जिन्होंने आप लोगों से तालियां बजाने के लिए कहा था, जिसमें बैठा मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि जी जाना होते तो सालियां ना होती। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।